हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दिखाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में किस तरह से आप आधार लिंक यानी कि केवाईसी कर सकते हैं या फिर एनपीसीआई लिंक किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप एनपीसीआई लिंक करेंगे तो आपका सरकारी सब्सिडी पैसा तुरंत ही आपके एयरटेल बैंक में आ जाएगा। अगर दूसरे बैंक में पैसा आ रहा है, कोई दूसरे बैंक में, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा एयरटेल बैंक में आ जाए तो उसके लिए एनपीसीआई लिंक करना पड़ता है। तो किस तरह से वो लिंक किया जाता है आधार कार्ड के माध्यम से, ये जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे नए नए अपडेट पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने एयरटेल बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक कराना चाहते हैं सरकारी सब्सिडी पाने के लिए, सबसे पहले एयरटेल बैंक रिटेलर के पास जाएंगे, जो रिटेलर है, और एयरटेल का जो रिटेलर है अपना आईडी को लॉगिन कर लेगा। इस तरह से एयरटेल रिटेलर अपना आईडी को लॉगिन करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के, जो एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर है। आईडी लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा डीबीटी लिंकिंग, यहाँ पर देख सकते हैं डीबीटी लिंकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जिस मोबाइल नंबर से एयरटेल का बैंक ओपन है, खुला हुआ है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी यानी कि गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो चलिए हम उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ओटीपी यहाँ पर टाइप करेंगे, देख सकते हैं ओटीपी डालने का ऑप्शन है, यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टिक मार्क लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ, इसमें टिक लगा देना है। उसके बाद स्कैन पे क्लिक करेंगे, स्कैन वाला डिवाइस को सही से कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है। फिंगरप्रिंट डिवाइस को सही से कनेक्ट कर लेना है जब भी आप ये काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, और स्कैन कस्टमर का फिंगर स्कैन कर लेना है। जैसे ही स्कैन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, और नीचे बैंक सर्च करना है। तो जैसे ही इस तरह काम करेंगे तो मोबाइल में एक मैसेज प्राप्त होगा, कस्टमर के मोबाइल में एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि कस्टमर का पहले से डीबीटी लिंक कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कस्टमर के मोबाइल में एक मैसेज आएगा कि पहले से उसका डीबीटी लिंक कौन सा बैंक में है। तो बैंक को एयरटेल मित्रा ऐप में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वो बैंक का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले से आधार सीडिंग है, आधार लिंक है, तो बैंक यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर बॉक्स में चेक लगाएंगे और नीचे स्कैन पे क्लिक करेंगे, और कस्टमर का दोबारा से स्कैन करा लेना है उसका फिंगर। इस तरह से दूसरे बैंक का जो आधार सीडिंग है वो एयरटेल बैंक में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एयरटेल रिटेलर अपना एम पिन टाइप कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं लिंकिंग रिक्वेस्ट, यहाँ पर एनपीसीआई लिंकिंग आधार नंबर यहाँ पर मैसेज प्राप्त होगा कि आपका 24 घंटे के अंदर एनपीसीआई लिंक हो जाएगा, और इस तरह से आप आधार लिंक कर सकते हैं। अगर आपका भी पैसा दूसरे बैंक में जा रहा और आप चाहते हैं कि आपका पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक में आएगा, इसी तरह से आप एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, तुरंत ही
NPCI लिंक हो जाता है, आधार लिंक हो जाता है और सब्सिडी का पैसा आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन नहीं कराएं तो जल्द से करा भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा बैंक है ये। एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करने पे आपको बिना ATM कार्ड के ही फोन पे, गूगल पे, UPI पेमेंट करने का ये ऑप्शन बन जाता है और बहुत ही आसान तरीके से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में दिखाएंगे एयरटेल से किस तरह से फोन पे बना सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।